चलिए एक रबर लेंगे, उसे काटकर उसकी एक नोक गेंद को बांधेंगे, दूसरे नोक पर एक लूप करके एक हुक से उसे टांगेंगे। हम इस रबर को एक बार खींच कर छोड़ देते हैं। ये गेंद उसी मार्ग से फिर से जा रही है। नियमित और बार बार होने वाली गति को नियतकालिक या आवधिक गति कहते हैं। कंपन करने वाली बहुतांश वस्तुएं नियमितता से और बार बार ऐसे करते हैं। लंबक, बगीचे का झूला, कंपन करने वाली तार, हिलने वाली कुर्सी, ये नियतकालिक या आवधिक गति के उदाहरण हैं। क्या आप यादृच्छिक गति के उदाहरण खोज सकते हैं? चलिए अब हम विविध प्रकार की गति का समुच्चय देखते हैं। आप गति का प्रकार बताइए। पानी में मछलियों की हलचल, पंछियों का उड़ना, तितलियां, शहद की खोज में एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराने वाली मधुमक्खियां, यहां वहां घूमने वाली चींटियां, कमरे में आने वाले धूलिकण, ऐसे दिखाई देता है कि यादृच्छिक तरीके से हिल रहे हैं। इस प्रकार की गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। इस गति में कोई वस्तु सीधे मार्ग से जाती नहीं, वो टेढ़े मेढ़े तरीके से हिलती है। गोलाकार गति, आपने मेरी गो राउंड, पवन चक्की के पंखे, घड़ी के कांटे, यंत्र की दांती या गियर, ये खेल खेलने वाले बच्चे देखे होंगे। इन सब की गति में कौन सी समानता है? सभी एक गोल में घूम रहे हैं। इसी प्रकार की गति को गोलाकार गति कहते हैं। इसके बारे में विचार कीजिए। आप घर में कुर्सी पर बैठे हो, घर भी शांत है, गतिमान नहीं है। क्या आप अभी भी शांत बैठे हुए हैं? अंतराल से आपकी ओर देखने वाले अंतरिक्ष वीरों को आप बहुत गति से घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप पृथ्वी के साथ घूम रहे हो। हम देख सकते हैं कि गेंद फेंकना या गाड़ी चलाना, इसमें बहुत गति है। गति के बिना यह विश्व बहुत अलग स्थान है। क्या इसके बारे में सोचकर आप लिख सकते हैं? सारांश, गति सभी जगह होती है। नियमित और बार बार होने वाली गति को नियतकालिक या आवधिक गति कहते हैं। यादृच्छिक गति, इस गति में कोई वस्तु सीधे मार्ग से जाती नहीं, वो टेढ़े मेढ़े तरीके से हिलती है। इस प्रकार की गति को गोलाकार गति कहते हैं। कृति, गति की व्याख्या और गति के प्रकारों के उदाहरण के साथ व्याख्या का एक टेबल बनाइए। हम अपना शरीर अनेक प्रकार से हिला सकते हैं। आप दिशा बदल सकते हैं, बाईं ओर, दाहिनी ओर, ऊपर नीचे। हम कूद सकते हैं, ढकेलना, खींचना, झुकना, लात मारना, दबोचना आदि क्रियाएं कर सकते हैं। दादी या नानी धागा पिरोते समय या डॉक्टर शल्य क्रिया करते समय हौले से और सावधानी से हलचल करते हैं। आप आपके हाथ पांव जोड़ों के पास हिलाएं और स्थायुओं का उपयोग करके हलचल कर सकते हैं। आप आपके शरीर की हलचल, इस बारे में अधिक जानकारी खोजिए।